Hello, hi and welcome to my channel Sam Study. Today we are going to study about Swachh Sarvekshan 2020. इस 2020 के सर्वे को हरदीप सिंह पुरी ने इसका रिजल्ट अनाउंस किया था. यह सर्वे पहली बार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2016 में बनाया गया था और यह सर्वे एक वार्षिक सर्वे है जो कि स्वच्छ भारत मिशन के अंडर जाता है. और स्वच्छ भारत मिशन जो कि 2 अक्टूबर 2014 में बनाया गया था. इस 2020 के सर्वे को हरदीप सिंह पुरी जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने इसका रिजल्ट अनाउंस किया था. और 2020 की ये सर्वे इस सर्वे का पांचवा संस्करण है जिसमें 4242 सिटीज, 62 कैंटोनमेंट्स एंड 92 गंगा टाउन्स को शामिल किया गया था. इस सर्वेक्षण के 10वें स्थान पर है खारगांव. खारगांव जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और खारगांव कुंडा नदी के पास में बनाया गया है. खारगांव उसके मिर्ची और कपास के लिए फेमस है. इस सर्वेक्षण के 9वें स्थान पर चंद्रपुर है. चंद्रपुर शहर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है. इसको हम किले के शहर से भी जानते हैं और चंद्रपुर का निर्माण 13वें शतक में हुआ था. चंद्रपुर जो कि इराई नदी और जरपर नदी के संगम स्थल में बना है. नई दिल्ली इस सर्वेक्षण के 8वें स्थान पर है. नई दिल्ली जो कि भारत के राजधानी है और ये भारत के सबसे बड़े महानगर निगम से एक है. नई दिल्ली जो कि यमुना नदी के पास बना है. नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, संसद और सर्वोच्च न्यायालय भी स्थित है. अहमदाबाद इस सर्वेक्षण में 7वें स्थान पर है. अहमदाबाद गुजरात की पूर्व राजधानी है जो कि साबरमती नदी के पास बना है. अहमदाबाद भारत की 5वीं सबसे आबादी वाला शहर है और कपास उत्पादन में इसका स्थान द्वितीय है भारत में. विजयवाड़ा इस सर्वेक्षण में 6ठे स्थान पर है. विजयवाड़ा शहर आंध्र प्रदेश में स्थित है जो कि कृष्णा नदी के पास बना है. विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नगर है और भारत के सबसे ज़्यादा लोग घूमने वाले मंदिर जो कि कनक दुर्गा मंदिर, वो विजयवाड़ा में स्थित है. मैसूर इस सर्वेक्षण में 5वें स्थान पर है. मैसूर जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है. मैसूर चामुंडी पर्वत के नीचे बना है. मैसूर उसके चित्रकला, दशहरा, चंदन साबुन और पान के लिए फेमस है. अंबिकापुर इस सर्वेक्षण में 4थे स्थान पर है. अंबिकापुर जो कि छत्तीसगढ़ के 8वें सबसे बड़े शहर है. ये 2019 में इस सर्वेक्षण में दूसरा स्थान हासिल किया था.
इस शहर का नाम, जो कि हिंदू देवी अंबिका के नाम से अंबिकापुर दिया गया। नवी मुंबई इस सर्वेक्षण में तीसरे स्थान पर है। नवी मुंबई जो कि महाराष्ट्र की पश्चिमी तट पर कोंकण डिवीजन में स्थित है। नवी मुंबई को उत्तर और दक्षिण नवी मुंबई से डिवाइड किया गया है और बहुत सारे कंपनियों ने इस जगह में उनका हेडक्वार्टर बना है, जैसे कि L&T, मैकडोनल्ड्स, असेंचर एंड रिलायंस कंपनी। सूरत इस सर्वेक्षण में दूसरे स्थान पर है। सूरत जो कि गुजरात राज्य में स्थित है और सूरत उसके हीरों और कपड़े के इंडस्ट्री के लिए फेमस है। सूरत शहर इंडिया के 9वें सबसे बड़े शहर है, जो कि तापी नदी के पास बना है। सूरत को हम डायमंड सिटी ऑफ इंडिया से इंडिया के नाम से भी जानते हैं और इसको बेस्ट सिटी अवार्ड 2013 में मिला था। दुनिया के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले स्थान पर इंदौर सिटी है। इंदौर जो कि भारत की 14वीं सबसे बड़ी शहर है। इंदौर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और इसकी आबादी 3 मिलियन है। 2017 से लेकर 2020 तक इस सर्वे को जीतने वाला शहर इंदौर है और इंदौर उसके नमकीन और छोले भटूरे के लिए फेमस है। आपके लिए एक प्रश्न है, जो कि इस सर्वे का पहला संस्करण का विजेता कौन है? आप हमें इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।